नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल बाटी चूरमा, एकदम राजस्थानी तरीके से, वो भी गांव का तरीका अपनाया है मैंने। और बिल्कुल गांव में जैसे बनती है बाटी और चूरमा वैसी ही बनी है, तो एक बार आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो आइए शुरू करते इस रेसिपी को। ये गेहूं का आटा है और थोड़ा सा गेहूं का मोटा आटा और थोड़ी सी सूजी ली है। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और इसमें सबसे पहले तेल डाल देंगे मोइन के लिए। ये जो आटा है हम चूरमे के लिए लगा रहे हैं, अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हुए इसका एकदम सख्त डो तैयार करेंगे हम। अच्छे से मिक्स कर देंगे, तेल जो है सभी जो आटा है हमारा उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, टाइट आटा तैयार करेंगे इसका हम। ये जो आटा है हम चूरमे के लिए लगा रहे हैं। दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करना है इसे। इस डो को अच्छे से तैयार करने के बाद में जो बाटियाँ बनाएंगे उन बाटियों को हम कंडे पर सेकने वाले हैं, जिसे गांव में कंडों को थापड़ी कहा जाता है, जो गोबर से बनती है। और हमारा आटा भी तैयार है, इसके हम बाटियाँ तैयार कर लेते हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा और छोटा। मैंने छोटा साइज ही रखा है ताकि जल्दी से पक जाए हमारी बाटी। अब थोड़ा सा बेसन लिया है और गेहूं का आटा, बेसन हमें कम ही यूज़ करना है। दोनों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें सबसे पहले हम 1.5 चम्मच नमक ऐड करेंगे। और 1/2 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच और ऐड कर देंगे क्योंकि हल्दी का कलर बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम साबुत धनिया जिसे क्रश करके ऐड करेंगे इसमें। अब अजवाइन ऐड कर देंगे, अजवाइन को भी अच्छे से क्रश करके ऐड करना है। थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे जिससे हमारी बाटियाँ अच्छे से फूलेगी। अब इसमें सौंफ ऐड कर देंगे, सौंफ को भी हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, आप चाहे तो मामदस्ते में अच्छे से कूट सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। अब थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे इसमें। अब हम मोइन के लिए तेल डालेंगे। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है जिससे हमारी बाटियाँ एकदम सॉफ्ट बने। अब बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे हमें, यह बहुत ही मेहनत का काम है। तेल पूरे आटे में एकदम घुल जाना चाहिए।
अच्छे से दोनों हाथों से इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा आटा हो जाना चाहिए। अब इसमें दही ऐड करेंगे। दही से भी हमारी जो बाटी है वो सॉफ्ट बनेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे दही को। दोनों हाथों से मिक्स करना है। गाँव में अक्सर बनाई जाती है इस तरीके से बाटी और चूरमा, और राजस्थान की तो एक स्पेशल डिश में गिना जाता है इसे। थोड़ी सी इसमें सूजी ऐड करेंगे, ये पहले ऐड करनी थी पर आप कोई नहीं अब भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी सूजी डाल देंगे इसमें, इससे हमारी बाटी जो है वो कुरकुरी बनेगी, इसीलिए ऐड किया है सूजी को। मिक्स कर देंगे इसको भी अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा पानी यूज करते हुए इसका भी एकदम सख्त डो तैयार करना है हमें, टाइट। थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट जो है हमारी डिश तैयार होने वाली है, बाटी और चूरमा। ये एक पारंपरिक तरीका है गाँव का, इसी तरीके से कंडों पर सेक कर बाटी और चूरमे को तैयार किया जाता है। तैयार है हमारा डो भी, इसकी हम बाटियाँ बना लेते हैं। बाटी का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। छोटा साइज़ रखने का यही कारण है कि ये जल्दी पक जाएगी, और अगर बड़ा बनाते हैं हम इसका तो टाइम लगता है उसको पकने में। फिर भी बाटियों को पकने में 20 से 25 मिनट तो लगते ही हैं लगभग। ये अंडे हमने पहले से ही झलक के तैयार कर लिए थे, और अब इन पे बाटियों को रख देंगे हम इस तरह से, और थोड़ी देर हमें पलटते हुए बाटियों को सेकने लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से पलटते हुए सेकना है, और उसके बाद में जो अलग से और कंडे झला के रखे हैं उन्हें हम इन बाटियों के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से नीचे और ऊपर से बाटियां जो है हमारी अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए दोस्तों इस तरह से नीचे भी है इसके और ऊपर भी हमने इसके राख डाल दिए हैं। तो लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे, थोड़े कंडे और जला के तैयार कर रहे हैं ताकि कम पड़े तो उसमें हम ऐड कर सकें। और बाटी हमारी तैयार हो चुकी है तो इन्हें अच्छे से साफ कर लेते हैं हम। इस काम में मेरे घर वालों ने भी हेल्प की है दोस्तों। अब अच्छे से इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमें दरदरा ही रखना है इसे। ये देखिए इस तरह से ये ड्राई फ्रूट है, काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता, ये पिसी हुई शक्कर है, और घी है जिसे अच्छे से गर्म कर लिया है हमने। अब इसे हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट को।
ये इलायची पाउडर है दोस्तों, जिसे शक्कर के साथ क्रश किया था। और अब हम शुगर ऐड कर देंगे इसमें। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छे से डाल देंगे शक्कर। अब इसमें हम घी भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों हाथों से इसको मिक्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसमें थोड़ी सी हम मिश्री भी ऐड कर देंगे। मिश्री से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चूरमे में। तो देखिए हमारा चूरमा जो है रेडी है। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं इसको। और जो हमारी बाटियाँ हैं वो भी तैयार हैं। अब इसे हम अच्छे से घी में डिप कर लेंगे। देखिए इस तरह से घी में लबालब हो जानी चाहिए हमारी बाटियाँ, तभी खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए दोस्तों, तैयार है हमारी राजस्थानी थाली, स्पेशल दाल बाटी और चूरमा। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।